तैयब की तकदीर में अल्लाह, अशरफ की तहरीर में अल्लाह, यूनुस की तज़कीर में अल्लाह, मुजफ्फर की तफकीर में अल्लाह, याकूबी ताबीर में अल्लाह, उस्मानी तफसीर में अल्लाह, याकूबी ताबीर में अल्लाह, उस्मानी तफसीर में अल्लाह, देवबंदी हर पीर में अल्लाह, आमीना की तकदीर में अल्लाह, आयशा की तत्हीर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाहु या रहमान या करीमु या रहीम। सूरज चांद सितारों को और धरती के नजारों को, सूरज चांद सितारों को और धरती के नजारों को, वही सजाने वाला है, वही सजाने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमको आता हो इश्क रसूल, हम पर हो रहमत का नुज़ूल, हम पर हो रहमत का नुज़ूल, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाहु या रहमा या करीमु या रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم। سورة الفاتحة इस कदर आदिमुशान सूरत की तकमील के बाद अब हमारा सिलसिला दरसे कुरान का सूरतुल बकरा में शुरू हो रहा है। अल्लाह का बेपनाह एहसान और अल्लाह का करम है और बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि महज अपने फजलो करम से अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को इतनी आजीमुशान सूरत समझ करके पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। ना तो मेरा मकाम और मर्तबा था कि मैं आपके सामने इतनी अजीम सूरत के मानी और मतलब बयान करता, और ना ही हमारे सामेईन अपने मकाम के एतबार से इस कदर अजीम उशान के अल्लाह इतनी बड़ी नेमत इतनी आसानी से अता फरमाता। ये मेरे लिए भी और आप तमाम हजरात के लिए बहुत सआदत और खुश नसीबी और अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका है कि अल्लाह ने हमें और आपको इस कदर उम्दा काम के लिए कबूल फरमाया। दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ने जिस कदर आफियत के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ और पूरी तवज्जो के साथ एक सूरत मुकम्मल कराई है, अल्लाह मुकम्मल कुरान पाक इसी तरह करने की तौफीक अदा फरमा दे और हम सब के
यहाँ जमा होने को, यहाँ इकट्ठा होने को और सुनने को और सुनाने को अल्लाह कबूल भी फरमा ले। आज सूरह बकरा हमारी और आपकी शुरू हो रही है, चूंकि ये एक आजीम शान सूरत का आगाज है और बाज़ाब्ता ये सूरत शुरू हो रही है, इसलिए एक मरतबा हम लोग सब साथ में इसको पढ़ लेंगे ताकि शुरुआत की दो तीन आयतें हम सब पढ़ के एक साथ में इसकी इब्तिदा में शरीक हो जाएं। तो सारे हजरात इसकी तिलावत कर लेंगे साथ साथ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लदीन युमिनून बिल गैबी, वयुकीमून الصلاة वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة بقرة یہ ہماری اس وقت کی سورت ہے और कुराने पाक की सूरतों की तरतीब के हिसाब से ये दूसरी सूरत है। कुराने पाक के अंदर कुल अल्लाह तबारक व ताला ने जो कलाम अपना आसमान से उतारा, उस कलाम पाक के अंदर कुल 114 सूरतें हैं। सारी सूरतों की तादाद सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास जो आखिरी सूरत है वहां तक अगर हम और आप शुमार करेंगे तो कुल 114 सूरतें बनती हैं। इनमें से कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ सूरतें मदनी हैं। मक्की और मदनी का मतलब मैं आपके सामने सूरह फातिहा के शुरू में आर्ज करके आया हूं, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी नहीं हैं, मैं उनकी तवज्जो के लिए इसको दोबारा अर्ज किए देता हूं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और लाने के बाद जब हुजूर की उम्र मुबारक 40 साल हुई, अल्लाह ने आपको नबी बना दिया। हुजूर पैदा हुए मक्का में, 40 साल की उम्र मुबारक तक आप मक्कतुल मुकर्रमा में रहे, 40 साल के बाद मक्का ही में आपको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, आप नबी बन गए। नबी बनने के बाद आप मक्का में मजीद 13 साल और रहे, 13 साल और आपने मक्का में गुजारे। अब 13 साल और गुजारने के बाद अल्लाह के पैगंबर की उम्र मुबारक कितनी हो गई? करीब 5 साल। फिर हुजूर अली सलातु वस्सलाम मक्का को छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर के चले गए और मदीना में आपने कुल 10 साल अपनी जिंदगी गुजारी। तो जब हम उनमें ये 10 साल मिलाएंगे तो अल्लाह के पैगंबर की उम्र मुबारक 63 साल और 10 साल के बाद मदीना में रह करके आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह के पैगंबर की ये जिंदगी का खुलासा है, गोया के नबी बनने के बाद अल्लाह के पैगंबर दुनिया में कितने साल रहे? 23 साल दुनिया में रहे, 40 में नबी बने, 63 में इंतकाल फरमाया, कुल 23 साल अल्लाह के पैगंबर की नबूवत का जमाना है।
उसमें हमें और आपको जरा समझना यह है कि कुरान पूरा अल्लाह ने इस 23 साल के जमाने में उतारा, थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में जब जरूरत जिस बात की हुई अल्लाह ने आसमान से उतार दिया। यहां पर काबिले गौर बात यह है कि हुजूर के मदीना जाने से पहले के जो 13 साल हैं, उन 13 सालों में अल्लाह ने जितना कुरान आसमान से उतारा, जितनी सूरतें आसमान से उतरी, वो सारी की सारी सूरतें मक्की कहलाती हैं। वो सारी सूरतें क्या कहलाएंगी? मक्की कहलाएंगी। और अल्लाह के पैगंबर के मदीना जाने के बाद जितनी सूरतें अल्लाह ने उतारी हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? मदनी कहलाएंगी। ये मेयार है मक्की और मदनी का। हम अपने कुरान के अंदर जब देखेंगे खोल करके, तो वहां हर सूरत में लिखा होता है कि ये सूरत मक्की है या ये सूरत मदनी है। तो मक्की का मतलब, अगर वहां मक्की लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये नबी बनने के बाद 13 साल के अरसे में आसमान से उतरी है। और अगर वहां पे मदनी लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी के आखिरी जो 10 साल हैं जो आपने मदीना में गुजारे, उस जमाने में इस सूरत को अल्लाह ने आसमान से उतारा है। समझ गए आप हजरत? मक्की और मदनी सूरतें, अल्लाह ने कुल सूरतें मक्की और मदनी दोनों मिला करके कितनी उतारी हैं? 114 सूरतें। लेकिन इनमें से मक्की कितनी है और मदनी कितनी है, वो तादाद भी मैं आपके सामने अर्ज किए देता हूं। अल्लाह ने आसमान से जो सूरतें उतारी उनमें कुल 87 सूरतें मक्की हैं, 87 सूरतें, 87 कितनी सूरतें? 87। तो ये 87 सूरतें मक्की हैं और हमारे पास बाकी बचती हैं 27 सूरतें, ये 27 सूरतें बाकी मदनी हैं। तो एक खुलासे के तौर पर जहन में रखने वाली बात है कि अल्लाह ने आसमान से कुल सूरतें कितनी उतारी हैं? 114, और उनमें से मक्की सूरतें कितनी हैं? 87, और उनमें से मदनी सूरतों की कुल तादाद कितनी है? 27। तो ये तादाद है अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा सूरतों की, और उसमें मक्की और मदनी की तकसीम के हिसाब से। अगली बात हमें और आप ये जरा समझें कि आपको तादाद से समझ में आ गया होगा कि ज्यादा कुरान अल्लाह ने मक्का में उतारा है या मदीना में? मक्का में ज्यादा कुरान उतरा है। 87 सूरतें अल्लाह मक्का में उतार रहा है और सिर्फ 27 सूरतें अल्लाह ने कहां उतारी है? मदीना में उतारी है। जब हम इन 27 सूरतों को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो पूरे कुरान का ये तिहाई हिस्सा बनता है। कुरान में हमारे यहां कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। अगर हम सारी मदनी सूरतों को एक तरफ से लिख दें, एक साथ इकट्ठी कर दें, तो तकरीबन 10 पारे मदनी सूरतों के हैं और उसके अलावा 20 पारे जो बनते हैं वो मक्की सूरतों के हैं। ये जो अंदाज है हमारा जो अब तक लगाया, उसके हिसाब से मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि मक्की सूरतों के पारे तकरीबन कितने बनते हैं? 20 पारे। और मदनी सूरतों के अगर हम पारे जोड़ें तो तकरीबन कितने होते हैं? 10 पारे। तो तिहाई का हिसाब है। दो हिस्से अल्लाह ने कुरान पाक के मक्कतुल मुकर्रमा में उतारे और अल्लाह ने एक हिस्सा मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल फरमाया। फिर उसके बाद अगली बात यह समझनी है कि हमारे सामने ये सूरह बकरा है, फिर इसके बाद सूरह आले इमरान है, फिर उसके बाद सूरह निसा है, फिर उसके बाद सूरह मायदा है। ये चार सूरतें बहुत बड़ी बड़ी, सूरह बकरा, आले इमरान, निसा और मायदा, ये चार सूरतें। ये चार सूरतें जो कुरान पाक में बिल्कुल शुरू के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में है कुरान पाक की। अल्लाह का करना, अल्लाह की आता देखिए कि ये चारों सूरतें मदनी हैं।
ये चारों सूरतें मदनी है। कुरान ज्यादा उतरा कहाँ है? मक्का में। लेकिन आप जरा गौर करें किस कदर अल्लाह की अजीब निजाम है, अल्लाह का कुदरत का निजाम कोई नहीं समझ सकता। कुरान उतरा ज्यादा मक्का में, लेकिन कुरान पाक में जो मरकजी जगह मिली है और अल्लाह ने जो शुरुआत की जगह अता फरमाई है वो किन को मिली है? मदनी सूरतों को मिली है। और लगातार चार सूरतें कुरान पाक की जो शुरुआत के अंदर है और बड़ी जखीम है अपनी तादाद के हिसाब से, आयतों के हिसाब से, मजामीन के हिसाब से, वो चारों सूरतों कौन सी है? मदनी सूरतें। समझ में आ गई ना बजरत को? ये मक्की और मदनी के तारुफ से बता रहा हूं, इससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि सूरह बकरा मक्की है या मदनी। मदनी सूरत है ये जो हमारी सूरत शुरू होने जा रही है, मदनी सूरत है। यानी अल्लाह के पैगंबर के 13 साल गुजर गए नबी बने हुए, उसके बाद अल्लाह ने सूरत पाक को उतारा था। और ये बात मैं आपको समझा चुका, आप सोच रहे होंगे कि जब बाद में उतरी तो शुरू में कैसे आ गई। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सूरतों की तरतीब, कौन सी सूरत कहां रखनी है, किसके बाद आनी है कौन सी सूरत, ये अल्लाह तय नहीं करते थे। ये अल्लाह के पैगंबर बयान फरमाते थे कि पहले इस सूरत को करो, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ये अल्लाह के पैगंबर का तरतीब दिलवाया हुआ है। और सूरतों का जो निजाम है और निसाब है ये अल्लाह के पैगंबर की तरफ से है। ये तरतीब अल्लाह के पैगंबर ने बनवाई है। क्या हिकमत है हम नहीं समझ सकते, बात बातें अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानते हैं, हमारी अकल से बाहर की होती। हमारा काम है मोमिन है मुसलमान है, अल्लाह ने जो तरतीब बताई, आमन्ना वसद्दकना, अल्लाह ईमान भी लाया और मान भी लिया। खैर ये सूरह बकरा ये इब्तिदाई सूरत है, और इब्तिदाई सूरतें ये चार लगातार मदनी सूरतें हैं, सूरह बकरा, आले इमरान और सूरह निसा और सूरह माईदा। आप जरा गौर फरमाएं कि सूरह बकरा उसकी शुरुआत किससे हो रही है? अलिफ लाम मीम से। सूरह आले इमरान उसकी शुरुआत कहां से होती है? अलिफ लाम मीम से। सूरह बकरा भी अलिफ लाम मीम से शुरू है, और इसके बाद आने वाली सूरह सूरह आले इमरान उसकी शुरुआत भी किससे हुई है? अलिफ लाम मीम से हुई है। तो ये अल्लाह ने दोनों सूरतों के दरमियान मुनाजबत भी रखी है। जिस तरह से सूरह बकरा की शुरुआत है उसी अंदाज में सूरह आले इमरान भी शुरू हो रही है। ये मक्की और मदनी के ताल्लुक से एक बात बता दी, अब सूरह बकरा का तारुफ पेश करूंगा। लेकिन पहले ये बात जरा जहन में रखें कि कुरान पाक के अंदर कुल अल्लाह ने कितनी सूरतें उतारी? 114 सूरतें उतारी। जहन तो माशाल्लाह हाजिर है ना, मुझे तो पहले लग रहा था कि पता नहीं हमारे भाई आज आएंगे भी या नहीं आएंगे, या कल की तैयारी में मशगूल होंगे। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज यहाँ बैठ करके कि कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब यही है हमारे लिए कि अल्लाह का खास फजल है और हम दुनियावी चक्करों के अंदर पढ़ करके अपनी आखिरत को छोड़ा नहीं करते, और इंशाल्लाह ये अमल जारी भी रहेगा। तो ये कुरान पाक के अंदर कुल सूरतें कितनी है? 114 सूरतें, और इनमें मक्की कितनी है? 87 है, और मदनी कितनी है? 27 है। और अगर हम पारों के हिसाब से सेटिंग करें कुरान पाक की, तो मक्की सूरतों के हिस्से में कितने पारे आएंगे? 20 पारे आएंगे, और मदनी के हिस्से में 10 पारे आएंगे। लेकिन कुरान की पहली सूरत जो हमारे सामने सूरह फातिहा के बाद आ रही है बकरा, ये कौन सी है? मदनी है। और इसके बाद कितनी सूरतें? 3 सूरतें और इसको मिला के 4। ये चारों सूरतें कैसी हैं? मदनी है। सूरह बकरा, इसके बाद नंबर 2 आले इमरान, नंबर 3 निसा, और नंबर 4 माईदा। ये 4 सूरतें मदनी आने वाली है। ये खुलासा हो गया हमारे सामने सूरतों का, और जो इस वक्त में सूरत शुरू हो रही है। अगली बात हमें और आपको ये समझनी है कि सूरह बकरा, ये तो हमें पता लग गया कि ये मदनी है, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह के पैगंबर कितने साल रहे हैं? 10 साल तकरीबन रहे। तो 10 साल अल्लाह के पैगंबर रहे, इन 10 सालों में कब उतरी है ये सूरत, इसको भी जरा समझना। एकदम शुरुआत में मदीना जाते ही उतर गई, या मदीना जाके अखीर वक्त में ये सूरत उतरी है, या दरमियान में उतरी है,
शुरुआत का तो मतलब ये मदीना जाने के 2-3 साल के अंदर उतर जाए, अखीर का मतलब ये कि 6-7 साल गुजारने के बाद वहां वो उतरी हो, और दरमियान का मतलब ये 4-5 साल के बाद में सूरत को अल्लाह ने उतारा हो। कब उतरी है इसके बारे में उलमा ने लिखा है, याद रखने वाली बात है कि अल्लाह के पैगंबर के मदीना जाने के बाद जितनी आयतें उतरी वो सारी की सारी सूरह बकरा के अंदर मौजूद हैं, और सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत है, और अल्लाह ने इसको थोड़ा थोड़ा करके उतारा क्योंकि इतनी बड़ी सूरत थी एक बार में कैसे उतारी जा सकती थी। अगर सूरह बकरा पूरी एक बार में अल्लाह उतार देते लोगों को इतने सारे नए नए हुक्म मिल जाते, कहते कि हम कहां से अमल करेंगे इसके ऊपर। फिर वही बात आ जाती क्या कि आदमी घबरा जाता कि भाई मुझसे नहीं होता, मैं कौन चक्कर में पड़ेगा इतनी भारी बात हो गई, अल्लाह ने पूरी नहीं उतारी। मदीना जाने के बाद अल्लाह ने थोड़ी थोड़ी करके उतारी, लेकिन सबसे पहले सूरह बकरा उतरी है। जब तक सूरह बकरा नहीं पूरी हो गई कोई दूसरी सूरत आसमान से नहीं उतरी है, ये याद रखने वाली बात है। मदीनतुल मुनव्वरा जाने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा को आसमान से थोड़ा थोड़ा करके अपने पैगंबर के ऊपर नाजिल फरमाया, थोड़ी थोड़ी सी नाजिल हुई है सूरह बकरा। ये मालूम हो गया कि मदीनतुल मुनव्वरा जाने के बाद अल्लाह के पैगंबर के ऊपर थोड़ी थोड़ी नाजिल हुई। दूसरी बात ये समझिए कि अल्लाह ने एक साथ नहीं उतारा, थोड़ा थोड़ा करके उतारा। अगर अल्लाह चाहते तो पूरी भी उतार सकते थे, लेकिन वजह मैंने अर्ज कर दी कि परेशानी होती लोगों को। सबसे बड़ी सूरत जो अल्लाह ने एक साथ पूरी उतारी है उसका भी नाम मैं अर्ज किए देता हूं आपके सामने, वो सूरह अनआम है। क्या नाम? सूरह अनआम। तकरीबन 20 रुकू है उस सूरत पाक के अंदर, अल्लाह ने उसको पूरा एक साथ में उतारा था। तकरीबन 20 रुकू है, अल्लाह ने पूरी सूरत एक साथ उतारी है, लेकिन सूरह बकरा नहीं उतरी है, सूरह अनाम को अल्लाह ने पूरा एक साथ में उतारा है। लेकिन आपको पता लगेगा सूरह अनाम आधी है सूरह बकरा के सामने, कितनी भी बड़ी हो लेकिन सूरह बकरा के सामने तो आधी ही है, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने सूरह बकरा को थोड़ा थोड़ा करके उतारा। लेकिन जहन में रखें आप हजरात कि पूरी सूरत जो सबसे बड़ी एक साथ अल्लाह के पैगंबर पे उतरी उस सूरत का नाम सूरह अनाम है। अगली चीज हमें और आपको ये समझनी है कि सूरह बकरा में आयतें कितनी है, रुकू कितने हैं, हरूफ कितने हैं, कलीमात कितने हैं। सूरह बकरा के अंदर कुल आयतें 286 हैं, 286 आयतें सूरह बकरा के अंदर हैं। कितनी? याद रखनी है ना ये सब बातें इंशाल्लाह। कितनी आयतें हैं? 286 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर नाजिल फरमाई। जैसे अलिफ लाम मीम एक आयत हो गई, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन दूसरी आयत है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे ये एक एक आयत इस तरह करके कितनी आयतें हैं? 286। रुकू कितने? रुकू भी जानते होंगे हम, और कुरान के किनारे जो हल्का सा निशान बना रहता है ऐन की शक्ल में और उसके अंदर तादाद लिखी होती है उसको रुकू बोला जाता है। सूरह फातिहा के अंदर रुकू कितने? इसकी तादाद उलमा ने बयान फरमाई 40 रुकू सूरह बकरा के अंदर मौजूद हैं। सूरह बकरा के अंदर कितने रुकू हैं? 40 रुकू मौजूद हैं, 286 आयात और उसके साथ साथ में रुकू कितने? 40 रुकू। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है कलीमात। कलीमा किसको कहा जाता है इसको जरा समझ लें। जैसे अलिफ लाम मीम एक कलीमा, जालिका ये दूसरा कलीमा, अल किताबु ये तीसरा कलीमा, ला रैबा चौथा कलमा, फी ही पांचवा कलमा, इस तरह से ये पांच हैं, इसको बोला जाता है क्या? कलीमात। इस तरह से अगर हम सूरह बकरा के अंदर शुमार करें
तो कुल तादाद सूरह बकरा के कलिमात की 6221 बनती है। कुल तादाद कितनी है? 6221 कलिमात सूरह बकरा के अंदर मौजूद हैं। याद हो रहे हैं ना? आयतें कितनी है? 286। रुकू कितने? 40। आयतें कितनी है? कलिमात 6221 कलिमात हैं। अब अगला मसला है, हर्फ कितने हैं सूरह बकरा के अंदर? एक एक हर्फ, जैसे अलिफ लाम मीम, कलमा तो ये एक था, लेकिन हर्फ इसमें तीन हैं। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, लालिका में लाल एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, काफ एक हर्फ है। अगर इस तरह हम पूरी सूरह बकरा के हर्फ को गिने तो सूरह बकरा के अंदर कुल हरूफ की तादाद 25,500 हरूफ हैं। कितने? 25,500 हर्फ सूरह बकरा के अंदर मौजूद हैं। तो ये खुलासा है सूरतुल बकरा का जो आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं। सूरह बकरा की कुल तादाद आयतों की, सूरह बकरा के कुल रुकू, सूरह बकरा के कलीमात और सूरह बकरा के अंदर मौजूद हर्फ कितने हैं, उसका खुलासा पेश कर दिया। फिर तो सिलसिला ही आगे चलता ही रहेगा। तो जहन में आ गया ना, मुजाकरा कर लिया जाए। रुकू कितने? 40 रुकू हैं और आयतें कितनी है? 286 आयतें और कलीमात, कलीमे कितने? 6221 कलीमात हैं और हर्फ कितने हैं इसमें? 25,500 हर्फ सूरह बकरा के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह मुझे और आपको इसको तकमील करने की और समझने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह का कलाम है, 25,500 हर्फ अल्लाह ने ये जो उतारे हैं इसके ही तो मानी समझने, इसी के अंदर हमें गौर व फिक्र करना है कि ये सब अल्लाह ने क्यों उतारे हैं, किससे क्या बताना मकसद है और क्यों, कौन सी चीज क्यों अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, इसी के गौर के लिए दरसे कुरान है। तो ये सूरह बकरा का कुल खुलासा हो गया। उसके बाद अगली बात हमें और आपको ये याद रखनी है, सूरह बकरा के अंदर जो अल्लाह ने मजमून बयान फरमाए, जो अल्लाह ने करने की बातें बताई हैं और जो अल्लाह ने बचने की बातें बताई हैं और बहुत सारी जगह अल्लाह ने वजह बताई है कि ये काम तुम्हें करना है और उसकी वजह भी बताई कि ये काम तुम्हें इसलिए करना है, और बहुत सारी जगह अल्लाह ने वाकियात जिक्र फरमाए पहले लोगों के, ये वाकिया ये वाकिया ये वाकिया ये वाकिया। तो अल्लाह के ऑर्डर कितने हैं इसमें, कितनी बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है और अल्लाह ने कितनी बातों से रुकने का हुक्म किया है और कितनी अल्लाह ने इसके अंदर वजह बताई है कि ये काम क्यों करना है, ये क्यों करना है, और कितने अल्लाह ने वाकियात बताए हैं, इसको भी उलमा ने तहरीर फरमाया। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने जो हमें करने वाली बताई बातें बताई हैं उनकी तादाद है 1,000। कितनी? 1,000 अहकामात अल्लाह ने दिए इस सूरह पाक के अंदर, और जो बचने के लिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिए उसकी तादाद भी उलमा ने बताई, वो बराबर है बिल्कुल हुक्म के, उसकी तादाद भी बिल्कुल 1,000 है। 1,000 बातें करने की है और 1,000 बातों से अपने आप को बचाना है। ये सूरह बकरा का दर्स रहेगा और खुलासा रहेगा जो इसके अंदर सब बातें आने वाली। और अल्लाह ने इसके अंदर जो वाकियात बयान फरमाए उन वाकियात की तादाद भी मुकम्मल 1,000 है, 1,000 वाकियात। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितनी जखीम सूरत है और किस कदर आजीम शान सूरत है जो हम और आप शुरू करने के लिए जा रहे। तो 1,000 वाकियात, ये सब हम इंशाल्लाह गिनते हुए चलेंगे। 1,000 हुक्म अल्लाह के, 1,000 मना की हुई चीजें अल्लाह की, और फिर साथ साथ में अल्लाह के बयान करदा वाकियात जो अल्लाह ने इस सूरत पाक के अंदर बयान फरमाए, अभी खुलासा जहन में रखना। तो ये और उसके साथ साथ जो अल्लाह ने हिकमतें बयान फरमाई, वजूहात बयान फरमाई, इस काम की ये वजह, इस काम की ये वजह, इसकी तादाद भी मुकम्मल 1,000 है।
अल्लाह के कुरान का एजाज देखिए आप, और उलमा की मेहनत देखिए, जिन बड़ों ने हमारी इन सब बातों को खोल खोल करके अलग अलग करके बता दिया, हमें और आपको पढ़ना है और उसको जहन के अंदर बिठाना है। तो अल्लाह के ऑर्डर कितने? 1000। मना की हुई चीजें कितनी है? 1000। वाकियात कितने? 1000। और वजूहात, हिकमतें, मसलिहतें कितनी आएंगी? 1000। ये सूरत पाक का खुलासा है। कुल 4000 बातें इस सूरत पाक से दर्स के तौर पर हमें और आपको मिलने वाली। ये तो एक खुलासा है, वरना अल्लाह का कलाम तो इससे कहीं ज्यादा वसी है। ये 4000 की तादाद अल्लाह के कलाम के लिए बहुत थोड़ी है, हमारी अकलों के लिए बहुत बड़ी है, मेरे और आपके हिसाब से बड़ी है, लेकिन अल्लाह की जात के हिसाब से कुछ नहीं है 4000 की तादाद। जितनी बलागत, जितने मानी, जितना कमाल अल्लाह के कलाम के अंदर है, उसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये खुलासा है सूरह बकरा का। तो इसमें मैंने कुछ बातें आपके सामने बताई कि सूरह बकरा के तआरुफ से हमें और आपको याद रखना है कि नाजिल हुई है मदीना जाते ही, और इब्तिदा के अंदर नाजिल होने वाली सूरत है, थोड़ी थोड़ी करके नाजिल हुई है, और अल्लाह ने बड़ी सूरतों में जो सबसे ज्यादा बड़ी और एक साथ आसमान से उतारी वो सूरह अनआम है, जिसमें तकरीबन 20 रुकू हैं। कितने रुकू हैं? 20, बिल्कुल सूरह बकरा की आधी। तो इसलिए मैंने अर्ज किया था कि कितनी भी बड़ी हो लेकिन सूरह बकरा से तो आधी ही बनती है जाकर के। और फिर उसके बाद बताई आयात, रुकू, कलिमात और हरूफ की तादाद, और फिर अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के ऑर्डर, अल्लाह के अहकामात जो इस सूरत पाक के अंदर है, उसका खुलासा आपके सामने पेश कर दिया। अब आगे बढ़े तो मक्की और मदनी का फर्क हो गया, वो एक हमारा अलग लेसन है। और दूसरी चीज आपको बताई मैंने इसके अंदर सूरह बकरा के बुनियादी तारुफ के हिसाब से, वो दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज समझे, सूरह बकरा की कुछ ऐसी खसूसियात जो किसी सूरत में और मौजूद नहीं है, जो पूरे कुरान पाक के अंदर और किसी सूरत को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई, वो खसूसियात सूरह बकरा के अंदर कितनी मौजूद है, उसकी कुल तादाद 5 है, जो इस वक्त मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। 5 खसूसियात जो आपको कुरान पाक की बाकी 113 सूरतों में कहीं नहीं मिलेगी, अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर ऐसी 5 बातें खास तौर से दर्ज फरमाई है। क्या खसूसियात है? सबसे पहली खसूसियत आपके इल्म में आ चुकी, मदीना जाने के बाद सबसे पहले आसमान से उतरने वाली सूरत सूरह बकरा है। ये खसूसियत अल्लाह ने इसके अलावा किसी को नहीं अता फरमाई। सबसे पहली खसूसियत क्या है? मदीना जाने के बाद अल्लाह ने इसको सबसे पहले उतारा है। ये खसूसियत अल्लाह ने किसी सूरत को नहीं अता फरमाई, इसकी सबसे पहली खसूसियत। दूसरी चीज इस सूरत पाक की बहुत बड़ी खसूसियत कि कुरान पाक की सबसे बरकत वाली आयत, आयत एक जो आयत होती है, कुरान पाक की सबसे बरकत वाली, सबसे ताकत वाली, सबसे अजीम शान आयत, वो अल्लाह ने सूरह बकरा ही में जिक्र फरमाई है। वो आयत भी सूरह बकरा में, और वो आयत है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे अजीम पूरे कुरान में कोई आयत नहीं है, जितनी अजमत वाली आयतल कुर्सी है। वो आयतल कुर्सी भी सूरह बकरा के हिस्से में आई है। ये भी खसूसियत सूरह बकरा को मिली, वो बाकी 113 सूरतों में कहीं पे मौजूद नहीं है आयतल कुर्सी। हमें और आपको इसका एहसास नहीं किस कदर अजीम शान सूरत है, इसको बड़े एहतमाम से पढ़ना चाहिए। हम और आप आजकल बड़े परेशान होते कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और कुछ असरात महसूस हो रहे हैं, आमिलों को दिखलाते हैं, वो बिला वजह की टेंशन बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई तेरे ऊपर कुछ है, किसी ने कुछ करा रखा है। ये एक अजीब उनका डायलॉग है हर एक के लिए, ये जुमला। अच्छा खासा आदमी जाके बैठ जाए, हाँ भाई कुछ हुआ हुआ है तुम्हारे ऊपर, 2 मुर्गे लिए आना काले काले, 2 अगरबत्ती, मोमबत्ती, चटाई, छुरी, जने क्या क्या दुनिया भर की अलावला मंगाते हैं, और फुला कब्रुस्तान में कच्ची कबर के पास जाके ये पढ़ना, पक्की कबर पे ये दफनाना और ये करना, दुनिया भर की चीजें। सुने आयतल कुर्सी, जब इसका मकाम आएगा और वक्त आएगा तब तफसील से बताऊंगा इसके फजाइल। अभी एक बात बता रहा हूं बहुत काम की,
आयतल कुर्सी कितनी अजीम है, इसके बारे में लिखा है। एक सहाबी, अर्ज किया है मैंने इससे पहले आपके सामने, दोबारा मैं आपको बताई देता हूं। एक सहाबी फरमाते, मेरा एक कमरा था, उसके अंदर मैं खजूरें रखता था बंद करके, लॉक लगा करके, और चाबी अपनी जेब में रखता था। फरमाते कि मैं जब भी जाता कमरा खोल के, अंदर देखता खजूरें कम, खजूरें कम, खजूरें कम, चाबी अपनी जेब में, खजूर अंदर से ऑटोमेटिक गायब हो रही है। बड़े परेशान हुए, अल्लाह क्या मामला है। अब हम होते ना तो हम तो पहुंच जाते किसी जादूगर के पास, तांत्रिक के पास, और उसी को जरा इस्लामी लफ्ज बना लिया एक हमारे आमिल साहब के पास। लोग बड़े आहिस्ते से पूछते, मुफ्ती साहब आपको तावीज गंडा कुछ आता है? और मसले तो बहुत बुलंद आवाज से पूछेंगे या हल्के से पूछ लेंगे, मुफ्ती साहब उस लाइन से भी कुछ जानकारी है? मैं बार मरतबा मना करता हूँ, भाई मुझे तो एक भी तावीज नहीं आता बनाने को। तो एक साहब तो अजीब व गरीब मिले, कहने लगे फिर आपने 8 साल में पढ़ा क्या है? 8 साल तक आप करके आ रहे थे जो आपको एक तावीज बनाना नहीं आया। मैंने कहा भाई तेरे हिसाब से मैं जाहिल अच्छा हूं, मुझे नहीं आता। खैर मैं अर्ज ये कर रहा कि लोगों का इन चीजों पे ईमान बहुत ज्यादा है, और हमारी खवातीन बैठी हैं, इनका तो बहुत ही ज्यादा है। कोई भी अगर खोल करके बैठ जाए अभी अपनी दुकान, पूरी बुरके वालियों की लाइन लग जाती है सारी, और 80% आपके खिलाफ तावीज सारी, इसीलिए लेने के लिए आती है कि मेरा शौहर मां की बहुत मानता है, ऐसा तावीज दे दो पूरा मेरे काबू में आ जाए। बस यही होता है, इससे ज्यादा औरत की कोई बड़ी और परेशानी नहीं होती, सिर्फ यही होती। खैर मैं अर्ज ये कर रहा इस वक्त में, एक साहब ही फरमा रहे कि अंदर बंद रहती थी खजूरें, वो गायब हो रही। परेशान हुए कि क्या मामला है, उन्होंने कहा घर वालों से कि आज ताला लगा दो, तुम बाहर से, मैं अंदर ही बैठूंगा। घर वालों ने ताला लगाया, खुद अंदर बैठे। फरमाते जब रात हो गई, मैंने देखा दरवाजे के नीचे से एक धुएं की तरह कोई चीज अंदर आई और बहुत बड़ा बदन बन गया, और बदन बनने के बाद वो आगे बढ़ा, वो जिन्नात था, पूरा छत तक बदन उसका बन गया, इतना अजीम उशान। अब वो तैयार जब हो गया, वो तो कोने में छुपे बैठे, उसे क्या पता। वो आगे गया और जाकर के थैला खोला खजूर का, बैठकर ठाट से खजूरें खानी शुरू कर दी। अगर मैं और आप इतनी करीब से लाइव जिन्नात देख लेते तो हमारा तो क्या हशर होता, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन उन सहाबी का ईमान जरा देखें, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह ला, जो अल्लाह से डरता है ना वो फिर दुनिया में किसी से नहीं डरता। और हम लोग अल्लाह से नहीं डरते इसलिए चूहे और बिल्ली से भी डर लगता है, कहीं जरा सी चीज निकल आती हम बेचैन हो जाते, इसलिए कि अल्लाह का डर नहीं है, सारी दुनिया का खौफ हमारे दिल के अंदर बैठा है। तो वो वहां जाकर के उसने खाना शुरू कर दिया। जब वो खाने में मस्त था, वो साहबी पीछे से आया और आकर के उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने मुड़ करके देखा साहबी रसूल है, वो भी समझ गए इनसे तो पंगा नहीं ले सकता मैं। कहा हजरत छोड़ दो, बहुत बड़ी गलती हुई और क्या करूं मैं, खाने के लिए नहीं था, भूख बहुत लग रही थी, मैंने सोचा लाओ आपका बरकती माल ही खा लूं। साहबा का बरकती माल है, वरना वो अबू जहल अबू लहब का भी खा सकता था। लेकिन वो भी पता, वो भी समझ रहा है कि यार बरकती माल है, इसी को उठाओ। खैर वो खाने में लगा पड़ा, उन्होंने कहा देख भाई मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं, फजर में ले जाऊंगा हुजूर के पास, वो करेंगे तेरा मसला हल। उसने कहा हजरत छोड़ दीजिए, बहुत रोया, छोड़ दिया। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलाम फेरते ही इंतजार में थे कि मैं सुनाऊंगा हुजूर को। सलाम फेरते ही हुजूर ने फरमाया भाई रात वाले कैदी का क्या किया तुमने? और ज्यादा फिक्र बढ़ गई, अल्लाह इन्हें कैसे पता, आपको तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके खबर दे दी थी। फरमाया हुजूर ने रात वाले कैदी का क्या किया? फरमाया हजरत रहम आ गया था, छोड़ दिया। फरमाया हुजूर ने कि भाई ठीक है रहम आ गया था, लेकिन वो झूठा है, वो फिर आएगा। इन्होंने कहा हजरत आज भी बैठ जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं। फिर बैठ गए, फिर आया, फिर पकड़ा, फिर रोया, फिर रहम आ गया, छोड़ दिया। नमाज में हुजूर ने फिर पूछा कि भाई क्या हुआ? कहा हजरत छोड़ दिया। कहा वो बहुत झूठा है, फिर आएगा। कहा हजरत आज तो छोड़ने ही नहीं है, कल को फजर यही पढ़वाऊंगा, लेकर आऊंगा मस्जिद नबवी में उसे पकड़ के। अगले दिन बैठे और पकड़ा उसको,
और पकड़ करके पकड़े रहे, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, नहीं आज कोई चांस नहीं मुआफी का। उधर अजान का वक्त हो गया, उसने भी समझ लिया कि आज तो जाना ही पड़ेगा। और फिर अगर वहां हाजिरी हो गई तो क्या हशर होगा, उसकी तो हालत खराब थी। उसने कहा हजरत देखिए, कुछ हम लोग कहते हैं ना दुनिया में, जब कहीं ज्यादा कोई पकड़ लेता साइड में जाके कुछ ले दे के छूट सकते हैं। अजी सर बताओ ना, जो तुम्हें चाहिए वो बताओ, बस क्यों बिला हो जाए, हमें कागजों में फंसा रखा है। तो उसने कहा हजरत देखिए, केस वेस तो वहां बाद में जाएगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, अगर मैं वो बात बता दूं आपके काम की तो आप मुझे छोड़ देना। इन्होंने कहा देख, अगर बात मुझे सही लगी तो छोड़ूंगा, वरना गारंटी नहीं, पहले बात बता क्या है। इसने कहा आप मुझसे परेशान है ना कि मैं आ रहा हूं खा रहा हूं। कहा हजरत आप एक मरतबा रात के वक्त में आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, दिन में एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ दी जाएगी शैतान और जिन दाखिल ही नहीं हो सकता, कोई हथियार नहीं चल सकता हमारा अगर आयतल कुर्सी को एहतमाम से पढ़ा जा रहा है। फरमाया, कहने लगा कि हजरत आप इसको पढ़ना, मैं तो क्या, मेरा जो सबसे बड़ा आदमी है वो भी नहीं आ सकता, कोई नहीं दाखिल हो सकता। इनको कुछ लगी दिल को बात, छोड़ दिया। नमाज में आए फजीर में, हुजूर ने पूछा क्या हुआ भाई। कहा हजरत छोड़ दिया। कहा क्यों। कहा हजरत उसने ये बात बताई थी, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है तो बहुत झूठा लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह करके गया है, तो बहुत झूठा लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह के गया है कि जहां पे आयतल कुर्सी पड़ी जाती है वहां पे कोई गलत चीज अपना असर नहीं कर सकती, इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए। तो हम बिला वजह इधर उधर उलझे फिरे, अल्लाह ने इतनी अच्छी चीज अता फरमाई है, इनको मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। तो खैर, आयतल कुर्सी जैसी अजीम सूरत भी अगर हिस्से में आई है तो कौन सी सूरत के, सूरह बकरा के आई है। अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर इसको नाजिल फरमाया, ये दूसरी खसूसियत हो गई। तीसरी खसूसियत सूरह बकरा की, तीसरी वो बात जो और सूरतों के अंदर मौजूद नहीं है, वो ये है कि सूरह बकरा कुरान पाक के अंदर एक आयत है बहुत लंबी, बहुत लंबी, जिससे लंबी कोई आयत नहीं है कुरान पाक में, एक पेज के करीब वो आयत है। आयतें हालांकि छोटी छोटी सी होती हैं लेकिन वो आयत एक पेज के करीब है, उससे लंबी आयत कुरान पाक के अंदर मौजूद नहीं। वो आयत भी अगर हिस्से में आई है तो सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, वो भी सूरह बकरा के अंदर है। कुरान पाक की सबसे आजीम, सबसे तवील आयत कुरान पाक की जो है वो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाई है। कितनी खसूसियात हो गई, तीन खसूसियात हो गई। सबसे पहली खसूसियत बताई मदीना में सबसे पहले नाजिल हुई, दूसरी बताई कुरान की सबसे अजीम आयत बरकत वाली आयत आयतल कुर्सी सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, और तीसरी बताई कुरान की सबसे लंबी आयत वो भी सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। और चौथी खसूसियत तो आपको बहुत पहले से पता है, क्या कि खुद भी ये सबसे लंबी सूरत है। ये भी तो एक इसकी खसूसियत है कि इसके बराबर कुरान पाक के अंदर और कोई सूरत नहीं है। जितनी लंबी जितनी तवील ये सूरत अल्लाह ने आसमान से कुरान पाक के अंदर उतारी है, इतनी तवील सूरत पूरे कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, इसके बराबर बड़ाई के अंदर कोई और सूरत नहीं है। ये भी सूरत पाक की बहुत बड़ी खसूसियत है जिसको हमने चौथे नंबर पर जिक्र किया। नंबर पांच, पांचवी खसूसियत तो इस कदर अजीम है, अल्लाह रश्क आता है पढ़ करके। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा सहाबा से बताया कि भाई सूरह बकरा का मकाम जानते हो। सहाबा ने कहा हजरत आप बताएं। फरमाया कि जब ये सूरत उतरी, हर सूरत के अंदर तो हर आयत को जिब्राइल अकेले लेकर के आते थे, लेकिन सूरह बकरा की 286 आयतें जब आई हैं तो हर हर आयत के साथ अल्लाह ने 80-80 फरिश्तों को उतारा है। आसमान से हर आयत के साथ में 80 फरिश्ते उतरे सूरह बकरा की 286 आयतों में, हर आयत के साथ 80 फरिश्ते। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाया, हर आयत के साथ में 80 फरिश्तों का नाजिल होना, यह कोई मामूली बात नहीं, कोई छोटी चीज नहीं है। यह
ये बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है जो अल्लाह ने सूरह बकर को अता फरमाया, ज़ालिका फज़लुल्लाही उतीहि मन यशा, अल्लाह का करम है, अल्लाह जिसको जो चाहे नेमत अता फरमा सकता है। ये सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, ये खसूसियत किसी और जगह पे ये आपको नहीं मिलेगी। हर जगह यासीन जैसी अजीम सूरत, सूरह फातिहा जैसी अजीम सूरत फरिश्ता लाने वाला एक है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, लेकिन सूरह बकरा एक आयत नहीं 286 आयतें, हर आयत के साथ अल्लाह ने कितने 80 फरिश्ते आसमान से इसकी अजमत को बताने के लिए उतारे। ये पांच खसूसियात मैंने बहुत सारी खसूसियात में से इकट्ठी की आपके लिए कि कम से कम ये पांच बातें जहन में रहनी चाहिए कि जो हम और आप ये सूरह शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह ने इसके अंदर क्या क्या खसूसियात रखी हुई हैं। याद रहेंगे ना पांच। सबसे पहली खसूसियत क्या बताई, मदीना में सबसे पहले नाजिल हुई। दूसरी खसूसियत बताई कि कौन सी आयत है, आयतल कुर्सी इसी में है। तीसरी खसूसियत बताई कि कुरान की सबसे लंबी आयत कौन सी सूरत में, बकरा के अंदर मौजूद है। और चौथी खसूसियत बताई कि ये खुद सबसे लंबी सूरत है। और पांचवी बताई कि हर आयत के साथ कितने फरिश्ते, 80 फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाए। अगला मसला है हमारा सूरह बकरा की फजीलतें क्या है। अगर कोई आदमी सूरह बकरा का एहतमाम करे तो उसका क्या दर्जा है और सूरह बकरा के पढ़ने वाले को क्या क्या इनाम मिला करता है, इसके फजाइल मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। सबसे पहली खसूसियत और फजीलत, अल्लाह के पैगंबर ने सूरह बकरा की जो बयान फरमाई, हुजूर अली सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते अश्शैतानु ينفروا من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے تمام شیاطین اور تمام جنات اس گھر سے فرار ہو جایا کرتے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی وہاں پہ کوئی شیطان نہیں ٹک سکتا وہاں پہ کوئی جن نہیں ٹک سکتا کیونکہ ابھی آپ سن کر کے آئے اسی کے اندر کون سی آیت ہے آیت الکرسی ہے اور وہ ان کے لیے بہت خطرناک ہتھیار بن جایا کرتی ہے اگر آدمی سورہ بقرہ کا پوری کا اہتمام کر لے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے سورہ بقرہ سب سے پہلی فضیلت کہ شیطان نہیں ٹک سکتا اس گھر میں جہاں پہ سورہ بقرہ کو پڑھا گیا لوگ پوچھتے ہیں یہیں پہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں مکان یا دکان کا افتتاح کرتے اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر اس کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں نہ جانے کیا کیا وہ لال سفیتا قیچی سے کاٹتے ہیں پتہ نہیں کیوں کاٹا جاتا ہے یہ سب عجیب عجیب رسمیں ہوتی ہیں یہ سب بیکار ہیں اگر ہمیں اور آپ کو واقعی برکت چاہیے تو نئے مکان اور نئی دکان کا افتتاح سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لی جائے اور سورہ بقرہ کی وہاں بیٹھ کر کے تلاوت کر کے دعا کر لی جائے سورہ بقرہ پڑھ لیں تاکہ پہلے دن ہی سارے شیاطین اور جنات روانہ ہو جائیں کہ بھائی تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے یہاں تو سورہ بقرہ والے لوگ رہتے سب روانہ ہو جائیں گے وہ پہلے دن ہی اپنا بوری بستر باندھیں گے اور دوسری سورہ یاسین وہ بھی بہت برکت والی سورہ ہے اس کو پڑھ لیا جائے ہماری مکان اور دکان کی برکتوں کے لیے اور اس کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بننے کے لیے میرے حساب سے اس سے زیادہ بہتر عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے دوسری فضیلت اس سورت پاک کے بارے میں اللہ کے نبی نے عجیب بات بیان فرمائی حضور نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ اپنی امت سے کہا میرے امتیوں سورہ بقرہ کو پڑھتے رہنا حضور کہہ رہے ہیں ہم سے اور آپ سے کہ سورہ بقرہ کو پڑھتے رہنا اخذها برکت اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھنا سورہ بقرہ کو یاد کرنا یہ تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا وترکها حسرت اور فرمایا جو آدمی سورہ بقرہ کو نہیں پڑھے گا
सूरह बकरा को याद नहीं करेगा, सूरह बकरा को नहीं समझेगा, ये उसके लिए शर्मिंदगी और नदामत का जरिया बनेगा। ये हुजूर बयान फरमा रहे। और आगे अजीब जुमला फरमाया, वला यस्तकीउहल बतला। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो गुमराह है, जो गलत आदमी है, जो अल्लाह के नजदीक मर्दूद है, मलऊन है, अल्लाह के यहां से धुतकारा हुआ है, ऐसे आदमी को सूरह बकरा की तौफीक ही नहीं होगी। अल्लाह ऐसे आदमी को सूरह बकरा जैसी सूरत पढ़ने की तौफीक नहीं देता। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत तवज्जो की बात है कि हम जरा जायजा लें, इतने सारे अफराद बैठे, हर आदमी अपने गिरेबान में डाल के देखे कि कितने साल या कितने दिन गुजर गए कि हमने और आपने सूरह बकरा को नहीं पढ़ा होगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इसका लेना, इसका पढ़ना बरकत का जरिया बनेगा। हम और आप आज बरकत ही के लिए परेशान हैं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा हर एक के पास में मौजूद है, परेशान है तो बरकत की वजह से परेशान है कि पता नहीं चलता कहां खर्च हो गए, एहसास नहीं होता, तो बरकत की कमी है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सूरह बकरा को पढ़ोगे अल्लाह बरकतें पैदा फरमा देगा। दूसरी चीज बयान फरमा रहे कि जो इसे छोड़ेगा वो जिल्ला शर्मिंदगी महरूमी के गार में गिर जाएगा। वो आज हमारे साथ में हो रहा है। आज हमारे यहां लोग बैठ करके बड़ी बहसें करते कि आज उम्मत बिगड़ रही है, उम्मत के ऊपर सख्त हालात आ रहे, क्यों आ रहे। मैं तो ये बातें बताया करता हूं कि हालात इसलिए आ रहे हैं कि हमने हालात को खत्म करने वाली चीजों को छोड़ रखा है। अगर हम और आप इन चीजों को पकड़े रहते तो अल्लाह खतरनाक हालात से बचाते। अब भी अगर हम और आप इसका इहतमाम कर लें तो ये बहुत सआदत की बात है। तो हुजूर अली सलाम ने फरमाया कि इसको छोड़ना तुम्हारे लिए जिल्ला शर्मिंदगी का जरिया बनेगा। और जो आदमी गलत होगा, महरूम होगा अल्लाह के यहां, अल्लाह उसे जिसे अपनी नेमतें नहीं देना चाहेगा, अल्लाह उसे सूरह बकरा पढ़ने की तौफीक ही नहीं देगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते दरखास्त है मेरी सारे लोगों से कि रोजाना कम अज कम हम और आप एक रुकू, दो रुकू, आधा पारा, पाव पारा, कुछ ना कुछ सूरह बकरा का जरूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह के पैगंबर ने जो इसका मकाम और मर्तबा बताया है हम और आप उसमें शरीक हो सके। पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारे हजरात। ये बहुत अजीम चीज है मेरे और आपके लिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, मैं इतना कहता हूं आपसे कि कम से कम एक रुकू शुरू कर दो, एक रुकू, एक रुकू में कोई देर नहीं लगती, लेकिन नागा ना हो, नागा ना हो, पाबंदी के साथ आप एक रुकू पढ़ेंगे। एक एक रुकू, एक एक रुकू करते करते अल्लाह ने चाह 40 दिन के अंदर जाकर के आपकी सूरह बकरा मुकम्मल हो जाएगी। 40 दिन में, सवा महीने में सूरह बकरा पूरी। और एक रुकू पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगते हमें, इरादा हो गया ना इंशाल्लाह। क्या फरमाया हुजूर ने, अगर पढ़ोगे तो क्या मिलेगी, बरकत, छोड़ोगे तो क्या होगी, जिल्लत शर्मिंदगी। और जो महरूम होगा अल्लाह उसे बकरा पढ़ने की तौफीक नहीं देगा। इसलिए हमें और आपको बरकत चाहिए, हमें और आपको जिल्लत से बचना है और हमें अल्लाह का महबूब बनना है तो सूरह बकरा का एहतमाम करना पड़ेगा। रोजाना कुछ ना कुछ हिस्सा इसका तिलावत करते रहेंगे। तीसरी चीज समझे, तीसरी फजीलत अल्लाह के पैगंबर अली सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, किस कदर अजीम सूरत है ये। आज जब मैं इस हफ्ते इसका मुताला कर रहा था और इसमें गौर कर रहा था, मुख्तलिफ किताबें और इकट्ठा कर रहा था, सब जगह से फजीलतें, किसी ने कोई फजीलत कहीं, कोई फजीलत मिली, उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था अल्लाह इतनी फजीलत है इस सूरत पाक की, मैं खुद हैरत के अंदर पड़ा रह गया। इतनी तो हमारे भी जहन में नहीं थी जितनी इसके दरसे कुरान की बरकत से अल्लाह ने सामने दिलवा दी। जब तलाश करना शुरू किया इतनी बातें सामने आई, इतनी बातें सामने आई, पता नहीं कौन अल्लाह का मुखलिस बंदा होता है, किसका अल्लाह को इखलास पसंद आता है कि अल्लाह ये सब बातें इतने सलीके के साथ में करा देता है, वरना मेरी या किसी और की ताकत नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह का करम होता है कि हम और आप इतने सुकून से बैठ करके कुरान पाक को समझ लेते।
तो इस कदर बरकतें इसकी। सबसे पहली फजीलत बता रखी है मैंने आपको, ये भी याद करनी है सारी फजीलतें कि शैतान और जिन्नात भाग जाएंगे। दूसरी बताई है कि सूरह बकरा को पढ़ने की वजह से बरकत होगी, छोड़ने से हमारी जिल्लत होगी और जो गुमराह होगा अल्लाह उसे तौफीक ही नहीं देगा। तीसरी फजीलत सुनिए, तीसरी फजीलत अल्लाह के पैगंबर ने बयान फरमाई कि सूरह बकरा और आले इमरान ये दो सूरतें अगर कोई आदमी जिंदगी में मामूल के मुताबिक पढ़ता रहेगा, मामूल बना लेगा इनका पढ़ने का, हुजूर ने फरमाया तुहाजानी इंदल्लाही ताला यौमल कियामा, ये दोनों सूरतें जब वो अल्लाह के सामने मीजान अमल पे आके हिसाब देगा तो उसकी तरफ से वकील बन के खड़ी हो जाएंगी। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, अल्लाह इसका मकाम जरा देखें हम और आप, अल्लाह के सामने किसकी हिम्मत होगी बोलने की, कौन अल्लाह के सामने कलाम कर सकेगा। लेकिन अल्लाह ने इतनी जबरदस्त सूरतें अता फरमा दी का बकरा और आले इमरान को पढ़ लेना जैसे आदमी वकील करके बेखबर हो जाता है कि अब मेरा वकील करेगा जो कुछ करेगा, बकरा और आले इमरान पढ़ने वाला बेफिक्र हो जाए कि ये बकरा और आले इमरान अल्लाह के यहां पे बात करेंगे, अब मुझे फिक्र की जरूरत नहीं है। किस कदर आजमत है इन सूरतों की, कितना मकाम और मरतबा है। अगर हम और आप अब भी गफलत करें कितनी महरूमी। ये मेरे पैगंबर हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और तुफैल है, अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमा दी, वरना हमारी क्या औकात थी, हम किसी दर्जे के नहीं थे। ये सब पैगंबर की वजह से इनामात मिले, अल्लाह ने इतने छोटे छोटे अमल पे इतना बड़ा बड़ा सवाब दे दिए। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें जाना पड़ जाए और कहा जाए जनाब तुम्हें जज से खुद बात करनी है, हमारी हालत खराब हो जाएगी। और अल्लाह के सामने मालिकुल मुल्क जुल जलाली वल इकराम, और कियामत का दिन जिस दिन अल्लाह पूरे जलाल में होगा, पैगंबर भी कांप रहे होंगे इस तरह से, बदन हिल रहे होंगे नबियों के, अल्लाह आज क्या हशर होने वाला है। उस दिन अल्लाह के नबी फरमा रहे बकरा और आले इमरान तुम्हारे वकील बन के खड़े होने, इसलिए इनको जिंदगी में पढ़ते रहना। ये इसकी तीसरी फजीलत है जो अल्लाह के पैगंबर अली सलातु वस्सलाम ने बयान। हर एक फजीलत ऐसी है कि अगर और न होती सिर्फ एक होती तब भी ये सूरत पढ़ने के काबिल थी। इतनी सारी फजीलतें होने के बावजूद अगर ना पढ़े तो बहुत ही बड़ी महरूमी है। नंबर चार, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हर चीज का एक ऊंचा हिस्सा होता है, हर चीज का एक नुमाया ऊंचा बुलंद हिस्सा होता है। मस्जिद है, मस्जिद के अंदर एक ऊंचा हिस्सा मीनार बनाया जाता है, बिल्कुल ये तो वैसे भी एक मीनार मस्जिद है, तो मीनार बनाया जाता है एक बुलंद हिस्सा, बाकी पूरी मस्जिद एक ऊंचा नुमाया उसका हिस्सा। ये यहां पे तख्त है, इसका एक ऊंचा हिस्सा, तख्त तो पूरा है, ये ऊपर का इसका ऊंचा हिस्सा है। हर चीज के अंदर एक ऊपरी हिस्सा होता है, हमारा बदन है पूरा बदन है लेकिन एक ऊपरी हिस्सा अल्लाह ने शर्फ सर को अता फरमाया, और जो ऊपरी चीज होती है उसका मकाम बहुत बड़ा होता है, जो सबसे ऊपर होती है। मिंबर बना हुआ है, मिंबर के अंदर पूरा मिंबर है लेकिन एक इसका ऊपरी हिस्सा होता है, वो एक अपना मकाम रखता है। हर चीज के ऊपरी हिस्से का एक मकाम होता है। मेरे नबी ने फरमाया इन्ना लिकुल्ली शैइन सिनाम वन सिनामुल कुरआनी सूरतुल बकरा। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं हर चीज का एक बुलंद हिस्सा होता है, और अल्लाह के कलाम कुरान पाक का बुलंद और ऊंचा और नुमाया और मुमताज हिस्सा सूरह बकरा है। सूरह बकरा ये इम्तियाजी चीज है कुरान पाक की, अजमत वाली है, नुमाया है, एक स्पेशल चीज है कुरान पाक की जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, जिसकी अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो सूरह बकरा है। इससे हमें और आपको इसका मकाम समझ में आता है कि किस कदर अजीम सूरत होगी। कितने फजाइल हो गए, चार। नंबर पांच, पांचवी फजीलत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, बड़ी अजीब अंदाज में फरमाया, अल्लाह के पैगंबर कभी मोहब्बत से समझाते, कभी थोड़ा नाराजगी का इजहार फरमा के समझाते,
हर अंदाज अल्लाह ने अपने नबी को दिया। एक हदीस में हुजूर फरमा रहे ला उल्फियन अहदकुम यताअशा, अपनी उम्मत से कह रहे हैं खबरदार मेरे उम्मतियों मुझे पूरी उम्मत में कोई आदमी ऐसा ना मिले। हुजूर कह रहे हैं, हुजूर के अल्फाज का तर्जमा बता रहा हूं, ला उल्फियन्ना, हुजूर कह रहे हैं मैं अपनी उम्मत में एक आदमी भी ऐसा ना पाऊं। कैसा? यताअशा, रात का खाना खा लिया उसने, रात का खाना खाने के बाद यज़तजीउ, जाकर के लेट गया टांग फैला करके बिस्तर के ऊपर, खाना खा लिया, मजे कर लिए खूब बढ़िया करके, रात के 11 बजे खाना खाया, उसके बाद बेड पे जाकर के टांग फैला करके लेट गया। फयज़ाउ रिजलन अला रिजलिन, और ठाट से एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख के लेट गया मजे के अंदर। हुजूर नक्शा देखिए कैसे खींच रहे, रात का खाना खाया जाकर के लेटा और एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रख ली। वयतगन्ना, और गानों के अंदर मशगूल हो गया। ओहो, अल्लाह के नबी फरमा रहे एक आदमी भी ऐसा ना मिले मुझे। और मैं इस वक्त में जायजा लेता हूं अपने हालात का, हमारे मुआशरे का, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा हाल आकर के देखे। वैसे तो पैगंबर को कब्र में सब पता चलता है, फरिश्ते ले जा करके एक एक उम्मती का अमल पेश करते, अगर अल्लाह के पैगंबर के इल्म में आता है और वहां हुजूर को पता चलता है जिस चीज को हुजूर कह के गए थे एक भी ना मिले। और आज अक्सर वही मुब्तल है, अक्सर वही क्या होता है हमारे यहां, रात को हमारे यहां खाना खाया जाता है, हाथ धोए और वहीं बिस्तर पे सीधे हो गए और सामने टीवी चला लिया और फिल्म देखने लगे और फिल्म देखते देखते ही आंख लग गई और सो गए। हर आदमी इसी में मुब्तला हो रहा है। बहुत कम अफराद हैं अल्लाह के महबूब बंदे, कुछ अफराद अल्लाह उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का इसी हरकत में मुब्तला हो रहा है, जिसको हुजूर कह रहे हैं खबरदार एक आदमी भी ना मिलना ऐसा। तो हुजूर ने फरमाया खाना खाया रात में लेट गया टांग पे टांग रख दी गानों में मशगूल हो गया। वयदउ सूरतल बकरा, और अल्लाह के कलाम की सूरह बकरा की तिलावत करना भूल गया और छोड़ दी। ऐसा आदमी मुझे उम्मत में नहीं मिलना चाहिए। क्या चाह रहे हैं हुजूर अली सलातु वस्सलाम? हुजूर की तमन्ना है मेरा उम्मती रात को सूरह बकरा का कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ के सोए, बगैर सूरह बकरा पढ़े ना सोए। ये है तमन्ना मेरे नबी की, करेंगे ना हम इंशाल्लाह पूरी। आज ही ये इत्तला मिलनी चाहिए कि मुफ्ती साहब जितने लोग बैठे हुए थे रात में सोने से पहले सबने अल्लाह का कलाम उठाया, कुरान पाक हाथ में लिया, दो तीन रुकू सूरह बकरा के पढ़े, फिर उसके बाद सोए, फिर देखिए अल्लाह आपको कैसी मजे की नींद सुलाता है और फिर अल्लाह कैसी बरकतें देता है। अगर ये बात हमारी जिंदगी में पैदा होती तो सआदत की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा पूरी सूरह बकरा, अल्लाह के नबी नहीं कह रहे पूरी पढ़ना, हुजूर कह रहे भाई कुछ पढ़ के सोना, तो इंशाअल्लाह हुजूर की इस तमन्ना को आज हम पूरा करेंगे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ के सो और बगैर इसको पढ़े ना सोना, और ये गलत अमाल करते हुए सोना अल्लाह के पैगंबर को पसंद नहीं है। ये फजीलत सूरह बकरा की है। अल्लाह के पैगंबर ने पांचवी फजीलत इसकी बयान फरमाई कि इतनी अजीम शान है कि रात में सोते वक्त भी आखिरी कलाम हमारा सूरह बकरा का होना चाहिए। नंबर छठी फजीलत सूरह बकरा की, क्या दर्जा है सूरह बकरा का? एक लश्कर अल्लाह के नबी रवाना फरमा रहे थे मुकाबले के लिए, जंग के लिए हुजूर भेज रहे हैं एक लश्कर बहुत बड़ा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस लश्कर को रवाना फरमा रहे थे, आपने सबको इकट्ठा किया। अब मसला है अमीर किसको बनाए, एक जिम्मेदार होता है ना, जमात जाती है एक अमीर बनता है, अमीर कौन बने? हुजूर ने सबको बुलाया, कहा भाई बताओ कितना कुरान याद है? उन्होंने बताया हजरत 2 पारे 10 पारे 20 पारे कोई कुछ कोई कुछ। एक नौजवान को बुलाया, उससे पूछा भाई कौन कुरान कितना याद है? उसने कहा हजरत ये याद है। उसने अपने कुरान के याद होने में नाम ले दिया कि हजरत मुझे सूरह बकरा भी याद है। फरमाया अंता अमीरुहुम, तू इनका अमीर बनेगा।
जिस आदमी को सूरह बकरा याद हो वो आदमी जमात का अमीर बनने के हकदार है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कम उम्र थे, वो उनसे बड़ी बड़ी उम्र के सहाबा मौजूद है। फरमाए नहीं, सूरह बकरा याद नहीं है इसलिए अमीर बनने के हकदार नहीं है। अमीर तो वही आदमी बनेगा जमात का जिसे सूरह बकरा याद होगी। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनको अमीर मुतय्यन फरमा दिया। क्या मकाम और मर्तबा है सूरह बकरा का, किस कदर अल्लाह ने इसके अंदर फजीलतें रखी हैं हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतने अहकामात, इतनी तालीमात अल्लाह ने इसके अंदर रख दी ये अमल करने के लिए। अगर अमल होता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, ना हो तो बड़ी महरूमी हो जाएगी। अब आप ये टारगेट ना बनाना सूरह बकरा में कि जी कब पूरी हो रही है, जी कब पूरी हो रही है। वैसे अल्लाह के करम से हमारे यहां अक्सर अफराद नहीं है ऐसे। मैं एक बात कहा करता हूं, बाद अफराद जो जल्दी के ख्वाहिशमंद होते हैं, अल्लाह ने शहर के अंदर इतना अच्छा निजाम हमारे कायम फरमाया, हर मिजाज की आपको हर तरह से पूरे शहर में आपको तफसीर मिल जाएगी। आप रोजाना सुनना चाहें, बहुत सारी मस्जिदों में रोजाना होती। आप चाहें हफ्ते में दो और तीन दिन सुनो, वो भी आपको मिलेगी। आप चाहें हफ्ते में एक दिन सुनो, वो भी मिलेगी। आप चाहें खाली तर्जमा तर्जमा सुनो, वो भी शहर में मिलेगा। आप चाहें थोड़ी सी शरह सुनो, वो भी मिलेगी। और आप चाहें बहुत ज्यादा वक्त दूं तो वो भी अल्लाह ने मौजूद कर दिया। हर चीज अल्लाह ने हमारे शहर में रखी है, इसलिए हमें अपने लिए जो बेहतर लगे उसमें शरीक हो जाना चाहिए। लेकिन एतराज किसी पे नहीं होना चाहिए, एतराज नहीं, सब सही है, सब अल्लाह के दीन के खादिम है, सब लोग अल्लाह के कलाम की खिदमत कर रहे हैं, गलत कोई भी नहीं है। अल्लाह ने हर तरह का मिजाज रखा है, हर तरह का निजाम कायम फरमा दिया, जहां से हमें जिस तरह का फायदा महसूस हो वहां से जुड़े रहना चाहिए। सब सही है, सब सही, एतराज नहीं। अगर आपको यह समझ में आता है कि तफसील ज्यादा अच्छी है तो जहां जल्दी होगा वहां को गलत मत समझिए, यह हमारे लिए बर्बादी है, हलाकत है। अगर हमें जल्दी समझ में आता है तो तफसील को हम जहां पे ज्यादा वक्त लगता है उसको गलत ना समझे, क्योंकि वो भी तो अल्लाह की बात है, वो भी अल्लाह का कलाम है। जहन में नहीं रखना चाहिए ये, और हमें यही बात जहन में रखनी चाहिए कि हम जितना पढ़े, मेरे जहन में जो यहां के लिए तफसीर के लिए कि जितना पढ़ें वो समझ के पढ़ें, याद करके पढ़ें, खाली हम कुरान पाक जल्द अज जल्द खत्म करें ये ना हो। कुरान याद हो, महफूज हो, जहन के अंदर बैठे, चाहे वक्त हमारा कितना लगे, चाहे पूरी उम्र ही खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के यहां सुरखरू होके जाएंगे ना, अल्लाह तेरा कुरान को समझते हुए हम आए हैं, क्या हर्ज की बात है। सूरह बकरा शुरू हो रही है, आखिरी बात बता रहा हूं, बाकी फजाइल इसके इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते बताऊंगा। इसके ताल्लुक से आखिरी बात बता के खत्म कर रहा हूं। अभी बहुत सारी फजीलतें, 12-13 फजीलतें सूरह बकरा की, अभी 6 हुई हैं। एक बात बता रहा हूं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला, नाम सुना है ना, हमारी नींदें भी खत्म हो जाती उमर बिन खत्ताब का नाम सुनते ही। अल्लाह ने अजीब जलाल रखा है हजरत उमर के नाम में, शैतान की भी वजू टूट जाती थी उमर बिन खत्ताब को देखकर। हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है, कान वक्काफन इंद किताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान को सबसे ज्यादा समझने वाले लोगों में थे, अल्लाह के कुरान को सबसे ज्यादा। फरमाते मैंने सूरह बकरा को जब पढ़ा, हजरत उमर का बता रहा हूं, फरमाते मैंने जब सूरह बकरा को पढ़ा तो शुरू करने के 12 साल बाद मेरी सूरह बकरा मुकम्मल हुई। कौन कह रहा है? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला। फरमाते मुझे सूरह बकरा में 12 साल लगे। उमर बिन खत्ताब जिससे ज्यादा माहिर कुरान का नहीं है कोई, वो आदमी फरमा रहा है 12 साल मुझे सूरह बकरा के समझ में न लग गए, और हम कहां, और हजरत उमर के दिमाग और उनकी अकल कहां। उनके तो पैरों के अंदर जो धूल और मिट्टी लगती है उसके जो जर्रात है उन जर्रात के बराबर भी हमारा और आपका मकाम और मर्तबा नहीं है जो अल्लाह ने हजरत उमर को दे रखा है। उस जैसे सहाबी, इतने बड़े मकाम वाला, कितने साल में मुकम्मल कर रहे हो?
12 साल लगे हजरत उमर बिन खत्ताब को, हालांकि हमें और आपको नहीं लग रहे क्योंकि हमारा इल्म ही कहां है इतना, हमें क्या पता कुरान के उलूम का इतना। अल्लाह ने जितना इल्म उन हजरात को अता फरमाया था, लेकिन अंदाजा करने वाली बात है, मैं बता इसलिए रहा हूं कि हम परेशान ना हो, असल चीज है अल्लाह के कलाम को समझना। और जब 12 साल बाद खत्म हुई है सूरह बकरा तो सोचिए कितनी खुशी हुई होगी हजरत उमर को, जब जिस दिन खत्म हो रही थी उस दिन ऊंट ज़िबा कर दिया और सारे दोस्तों की दावत कर दी कि आज मेरी सूरह बकरा खत्म हुई है, आओ सबकी दावत है। ऊंट ज़िबा फरमाया, पूरा ऊंट ज़िबा कर दिया सूरह बकरा के खत्म होने पर और सबकी दावत कर दी। तो ये हजरत उमर बिन खत्ताब और इनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर पैगंबर के बहुत बड़े आशिक हैं, बहुत बड़े आशिक। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला नुमा के बारे में आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला नु के बारे में नकल किया गया, इन्होंने सूरह बकरा पढ़ी तो इनकी सूरह बकरा 8 साल के अंदर जाकर मुकम्मल हुई। कितना वक्त? 8 साल। पढ़ना भी है, जहन में भी बिठाना है और सबसे बड़ी बात है अमल करना है इंशाल्लाह। ये है सहाबा की जिंदगी का नमूना हमारे और आपके लिए कि इन हजरात ने कुरान पाक पे इस कदर मेहनतें की हैं, अपनी जिंदगियों को लगाया है। अगर हमारी और आपकी भी जिंदगी अल्लाह के कलाम के समझने में लग जाती है तो सआदत है ये मेरे और आपके लिए, खुशनसीबी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए, अपने कलाम को सही तौर पर समझना और इस पर अमल करना हम सब के लिए आसान फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलासा क्या हुआ है इस वक्त के दर्स का, वो पहले मैं अर्ज किए देता हूं आपके सामने, फिर आप हजरात एक बार जहन में उसको अपने दोहरा लें, फिर आपसे सुन लेंगे ताकि हम और आप मामूल के मुताबिक याद करके चले जाए। सबसे पहले मैंने बताया कि कुरान की कुल सूरतें 114 हैं, इनके अंदर 87 मक्का की हैं, मक्की हैं, और 27 मदनी सूरतें। फिर बताया कि अगर हम कुरान में पारों की तकसीम करें तो 20 के करीब पारे मक्की सूरतों के पास आते हैं और 10 के करीब मदनी के पास में आते हैं। फिर बताया कि कुरान में बकरा, आले इमरान, निसा, मायदा शुरू की 4 जो बड़ी बड़ी सूरतें, ये चारों सूरतें मदनी हैं और जो सूरह बकरा हमारी शुरू हुई है ये भी सूरह मदनी है। उसके बाद बताया सूरह बकरा नाजिल हुई है मदीना में जाने के बाद, फौरन उतरी है बगैर किसी ताखीर के, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम पे सबसे पहले मदीना जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके सूरह बकरा का नुजूल हुआ है, और मुकम्मल सूरत जो सबसे बड़ी उतरी है वो सूरह अनआम है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सूरह बकरा के अंदर कुल 286 आयतें हैं और रुकू की तादाद 40 है, और कलिमा सूरह बकरा के अंदर 6221 हैं, और सूरह बकरा के अंदर जो हरूफ हैं 25,500 हैं। फिर उसके बाद आपके सामने अर्ज किया अल्लाह के करने वाले काम जो ऑर्डर अल्लाह ने हमें दिए हैं वो 1,000 हैं, मना की हुई बातें 1,000 हैं, अल्लाह ने हिकमतें और वजह जो कामों की बताई वो 1,000 हैं, और वाकियात की तादाद 1,000 है जो सूरह बकरा के अंदर आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको बताया कि सूरह बकरा की 5 ऐसी बातें खुसूसियात जो और कहीं नहीं है। सबसे पहली बात बताई मदीना में सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत, दूसरी बताई आयतल कुर्सी इसमें मौजूद है, तीसरी बताई कि इसमें सबसे लंबी कुरान पाक की आयत मौजूद है, चौथी बताई कि सूरह बकरा खुद सबसे लंबी कुरान पाक की सूरत है, और 5वीं फजीलत बताई कि हर आयत के साथ अल्लाह ने 80 फरिश्तों को आसमान से इसके नाजिल फरमाया था। फिर फजाइल की बहस आई है और मैंने 6 फजीलतें इस वक्त आपके सामने सूरह बकरा की जिक्र की हैं। सबसे पहली कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी शैतान वहां से फरार हो जाता है, वहां दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी बताई हुजूर ने फरमाया सूरह बकरा को पढ़ोगे बरकत होगी, छोड़ोगे जिल्लत होगी, और जो गुमराह होगा अल्लाह उसे तौफीक ही नहीं देगा। तीसरी चीज बताई सूरह बकरा और आले इमरान ये दोनों अल्लाह के दरबार में हमारे वकील बन के खड़ी होंगी और अल्लाह से हमें मगफिरत कराने का और हमें बख्शवाने के लिए मेहनत करेंगी और जरिया बनेंगी। चौथी फजीलत बताई
अल्लाह के नबी ने फरमाया हर चीज का एक ऊंचा हिस्सा होता है, कुरान पाक का ऊंचा हिस्सा वो सूरह बकरा है। पांचवी चीज बताई हुजूर ने फरमाया, खबरदार कोई आदमी ऐसा ना मिले कि रात को खाना खाए, टांग पे टांग रख के लेट जाए और गाने बाजे में मशगूल हो जाए। हुजूर ने फरमाया आखिरी काम तुम्हारा रात को सोते वक्त कम से कम सूरह बकरा की कुछ ना कुछ तिलावत होनी चाहिए। छठी चीज आपके सामने बताई कि हुजूर ने एक जमात भेजी, लश्कर भेजा, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, लेकिन इत्तेफाकन उन्हें सूरह बकरा याद नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें, अल्लाह के नबी ने अमीर नहीं बनाया, एक नौजवान कम उम्र का सूरह बकरा का हाफिज था, उसे सूरह बकरा याद थी, अल्लाह के नबी ने उसे अमीर मुकर्रर फरमा दिया। आखिरी चीज बताई कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने 12 साल में सूरह बकरा को समझा और अब्दुल्लाह बिन उमर ने, उनके साहबजादे ने 8 साल के अंदर समझा। ये इस वक्त के दरस कुरान का खुलासा है। अब आप हजरात बता देंगे जल्दी जल्दी इंशाल्लाह। पहले तो जरा एक बार ये बता दें आप हजरात के रात में सोते वक्त एहतमाम होगा ना इंशाल्लाह सूरह बकरा का, हाथ उठा के बता दें कौन कौन पढ़ेगा। माशाल्लाह अल्लाह सबको तौफीक दे, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, बहुत खैर का जरिया। हुजूर फरमा रहे हैं ना कोई ना मिले, यानी हर आदमी सूरह बकरा पढ़ के सो, तो अगर हम अल्लाह के पैगंबर की मुराद तमन्ना को पूरा करेंगे तो बहुत सआदत है ये हमारे लिए। और ये छह, ये खुलासा हो गया। तो अब आप हजरात बताएं कुरान पाक में कुल सूरतें कितनी है, 114 सूरतें, और मक्की कितनी है, 87, मदनी कितनी है, 27 सूरतें। अगर हम कुरान देखें तो मक्की सूरतों के हिस्से में कितना आता है, 20 पारे, और मदनी के हिस्से में 10 पारे के करीब। और शुरुआत की जो सूरह फातिहा के बाद 4 सूरतें, ये कहां उतरी है, मदीना में उतरी है। पहली सूरत बकरा, दूसरी आले इमरान, तीसरी निसा, चौथी मायदा, ये 4 सूरतें। उसके बाद बताया सूरह बकरा मदीना जाने के बाद बहुत जमाने बाद उतरी या फौरन, फौरन उतरी है, और थोड़ी थोड़ी करके अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। पूरी सूरत जो सबसे बड़ी आसमान से एक साथ आई है वो कौन सी है, सूरह अनआम कुरान पाक के अंदर मौजूद है। और फिर उसके बाद में दूसरी चीज बताई कि सूरह बकरा में आयतें कितनी है, 286 आयतें हैं, और रुकू कितने हैं, 40 रुकू है, और कलीमात कितने हैं, 6221, और हरूफ कितने हैं, 25,500 हर्फ मौजूद हैं। अल्लाह ने कितनी बातों के करने का हुक्म दिया है, 1,000, मना कितनी बातों से, 1,000, वजूहात और हिकमतें कितनी जगह बताएं, 1,000 जगह, और वाकियात कितने हैं, 1,000। ये इस सूरत पाक का खुलासा है। फिर इस सूरत की खसूसियात कितनी है, कुल 5। पहली खसूसियत के मदीना में सबसे पहले उतरी, मदीना में सबसे पहले उतरी। दूसरी बताई कि इसमें कौन क्या है, आयतल कुर्सी है। तीसरी फजीलत बताई कि सबसे लंबी आयत इसी के अंदर मौजूद है, और चौथी बताई कि खुद भी सबसे लंबी है, और पांचवी बताई हर आयत के साथ 80 फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाए। 286 आयतों के साथ ये मामला हुआ है। फिर फजीलतें इस वक्त में कितनी बताई हैं, 6 फजीलतें बताई हैं। सबसे पहली कि हमारे घर से कौन भागेगा, शैतान और जिन्नात सब भाग जाएंगे अगर हमने और आपने सूरह बकरा का एहतमाम शुरू कर दिया। खलबली मच जाएगी कि यार ये तो सब सुधर करके आ गए, मैंने इन्हें तावीज गंडों में उलझा रखा था, ये तो ओरिजिनल हथियार लेकर के आ गए। और बड़ा आसान तरीका है पूरी पढ़ने का, आपके घर में अगर 5-6 अफराद मौजूद हैं, सबको कह दीजिए भाई रोजाना तुम्हें आधा पारा ये पढ़ना, आधा पारा इसे पढ़ना, आधा पारा इसे, आधा पारा इसे। अगर सब लोगों ने मिलकर सूरह बकरा रोजाना पढ़ दी तो फिर तो नूर नाला नूर मजा ही आ जाएगा। ऐसी कोई तरतीब बना लें अपने घर में कि रात को सब सोते वक्त में भाई आधा पारा आधा पारा आधा पारा थोड़ा थोड़ा कुरान सब मिल के पढ़े और मुकम्मल करें और अल्लाह से दुआ करके और सो जाए, फिर देखें कि क्या मजा होता है जिंदगी का। दूसरी चीज बताई कि हुजूर ने फरमाया सूरह बकरा पढ़ोगे तो क्या मिलेगी, बरकत मिलेगी, और नहीं पढ़ोगे तो
जिल्लत शर्मिंदगी मिलेगी, और जो गुमराह होगा अल्लाह उसे तौफीक ही नहीं देगा। तीसरी चीज बताई, बकरा और आले इमरान ये कहां वकील बनेंगी? अल्लाह के दरबार में हमारी वकील बनेंगी और मगफिरत का जरिया बन जाएंगी। चौथी चीज बताई कि हर चीज का ऊंचा हिस्सा है, कुरान का ऊंचा हिस्सा क्या है? सूरह बकरा, अल्लाह के पैगंबर ने बयान फरमाया। पांचवी चीज बताई, हुजूर ने फरमाया मुझे कोई आदमी ऐसा ना मिले जो क्या करे, रात को खाना खाए, फिर क्या करे लेट जाए, फिर क्या करे पैर पे पैर रख ले, फिर क्या करे गाने में मशगूल हो जाए। फरमाया कोई ऐसा ना मिले, और किस चीज को छोड़ दे वो? सूरह बकरा को। कोई ऐसा नहीं मिलना चाहिए, यानी सारे लोगों को सूरह बकरा का एहतमाम करना चाहिए। छठी चीज बताई कि अल्लाह के नबी ने एक लश्कर भेजा, उसमें एक नौजवान किस चीज का हाफिज था? सूरह बकरा का। अल्लाह के नबी ने उसे क्या बना दिया? अमीर बनाया। हजरत उमर ने कितने दिन में खत्म फरमाई? 12 साल, और उनके साहबजादे ने 8 साल में। अल्लाह हमें भी इसको तकमील की अमल के साथ तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे साथ एक हादसा हो गया था जिससे एक आदमी की मौत हो गई, उससे बहुत मुसीबतें सामने आ गई। अल्लाह पाक हमारी गैब से उस हादसे में मदद करे, कोई जरिया अल्लाह पाक ऐसा बना दे कि हमारी मदद हो जाए। पिछले हफ्ते सूरह फातिहा की ये फजीलत बताई थी कि जब परेशानियों का हुजूम हो तो सूरह फातिहा की तिलावत की जाए कसरत के साथ में, और फिर अल्लाह से दुआ की जाए, तो इसके लिए वो बहुत मुफीद रहेगा। इस्तिखारा किस तरह करते हैं? इस्तिखारे का तरीका बड़ा आसान है। रात को सोते वक्त दुआ है, वो दुआ पढ़ी जाएगी, और उसके बाद 2 रकत पढ़ी जाएगी और अल्लाह से दुआ कर ली जाएगी। 2 रकत इसी नियत से कि अल्लाह इस काम में जो बेहतरी हो उसके खैर मांगने के लिए 2 रकतें पढ़ लूं, और दुआ करके अल्लाह से सोया जाएगा। हमारे यहाँ वो बहुत सारे इस्तिखारे चलते हैं कि गर्दन इधर घूम जाएगी, प्लेट इधर आ जाएगी, ये उधर चली जाएगी, वो इधर। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, अल्लाह के पैगंबर ने तो ये नहीं बताया गर्दन घूमने वाला इस्तिखारा। जो हुजूर अली सलातु वस्सलाम ने इस्तिखारा बताया वो बस इतना है, दुआ पढ़ो इस्तिखारे की, अल्लाह के सामने 2 रकत पढ़ो, दुआ करो और सो जाओ। दुआ जो है थोड़ी लंबी है, जिन हजरात को चाहिए वो ले सकते हैं। हज़रत आकिल साहब दामत बरकातुम की एक किताब है बयानुद दुआ, उसके अंदर वो पूरी दुआ मौजूद है, वहां से भी ले सकते हैं दुआ इस्तिखारा के नाम से। उस दुआ को पढ़ना है और सोना है, फिर अल्लाह खुद ब खुद हालात खैर के बना देंगे। जो भी हालात बने वो खैर होंगे। ख्वाब में आना भी जरूरी नहीं, कभी कभी अल्लाह ख्वाब दिखा देंगे, वरना वो भी कोई जरूरी नहीं। इस्तिखारे का मतलब यही है कि अल्लाह हमने आपके हवाले कर दिया, अब जो अच्छा हो वो आप करा दीजिए। इसलिए बस इस्तिखारा करके काम करें अपना, जिसकी भी खैर होगी अल्लाह उसी के असबाब पैदा कर देंगे। बाद लोग आकर के कहते हैं जी मुफ्ती साहब मैं निकाह करना चाहता हूं, करूं या ना करूं आप इस्तिखारा कर दीजिए, आप इस्तिखारा कर दीजिए। मैं कहा यार तुम्हारे अमल से मुफ्ती साहब का क्या मतलब, निकाह तुम कर रहे हो, इस्तिखारा मुफ्ती साहब करे, अगर कहीं मुफ्ती साहब ही के इस्तिखारे में आ गई तो। मैं अपने दोस्तों से बाद मरतबा ऐसे जुमले कह देता हूं कि लेकिन हमें समझना चाहिए नमाज पढ़नी है ना। अब आप आगे कहें किसी आलिम से जी आप नमाज पढ़ दो हमारी, बदले आज मैं जरा बिजी हूं। एक नेक काम है, अमल है, इबादत है, आप खुद करें तो ज्यादा अच्छी बात है। अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह से खुद मांगे, आपका डायरेक्ट खुद अल्लाह से ताल्लुक है। अल्लाह के यहाँ वसीले नहीं है, जरिए नहीं है कि हम बीच बीच में दरखास्तें लगवाएं, डायरेक्ट अल्लाह के सामने भीख मांगे बैठ के, रोएं अल्लाह के सामने। उसी दर से बुजुर्गों को भी मिलता है, उसी दर से अवाम को भी, आम आदमी को भी मिलता है, इसलिए कोई फर्क की बात नहीं है। हमें सबको अल्लाह ही से मांगना चाहिए। साबिर साहब के बारे में सुना है कि वो बहुत ही पहुंचे पहुंचाए हैं, क्या ये सही है या गलत है? पहुंचे पहुंचाए हैं ये तो बात सही है, वो पहुंच भी गए हैं अल्लाह के यहाँ और पहुंचाए गए हैं फरिश्तों के जरिए से, ये बात बिल्कुल सही है। अब बाकी बुजुर्ग थे, ये बात भी बिल्कुल सही है, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह वाले होने का मतलब ये नहीं कि अब हम कब्र के ऊपर पहुंच करके उनसे मुरादे मांगे, क्योंकि वो तो गए, वो तो पहुंचे पहुंचाए हैं, वो तो गए जन्नत में।
अब उन्हें क्या पड़ी है कि यहां आकर के हमारा रोना धोना सुनेंगे, वो तो जन्नत में मजे कर रहे हैं, हम क्यों? हमें तो अल्लाह ने कहा तुम भी उसी रास्ते पे चलो जिस रास्ते से वो अल्लाह के महबूब बने थे, अल्लाह तुम्हें भी महबूब बना लेगा, तो इसलिए हमें भी वो अमल करना चाहिए, ना कि उनके सामने जाकर के मांगना चाहिए। ये बता दें कि फजर की नमाज के बाद सोना सही है या गलत। देखिए फजर की नमाज को अदा करने के बाद हमारे बहुत सारे भाई सोने के बड़े शौकीन है। एक साहब तो मुझसे कहने लगे कि नमाज पढ़ने के बाद मैं आंख भी बहुत कम खोलता हूं, बस थोड़ी सी देखी दीवार वहां है तो फिर बंद कर ली ताकि नींद आंखों में बाकी रहे। उसे बचा बचा के ले जाते हैं बिस्तर तक आंखों की नींद को, कि अगर ज्यादा खोली मैंने तो कहीं ये खत्म ना हो जाए नींद। तो ये जो फजर बाद सोने की हमारी प्लानिंग है, अगर देखिए इसके अंदर एक बात जहन में रखने वाली है कि फजर के बाद बाज़ाब्ता सोना और मामूल बना लेना हमेशा का, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत बरकत का वक्त है, उस वक्त में कुरान की तिलावत इबादत एहतमाम सब करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई आदमी है कि अगर वो फजर बाद के चक्कर में जगा दिया उसे तो फिर उसकी फजर भी गई, आप उससे कहेंगे कि भाई फजर बाद जागना है, तो वो उसी टेंशन के अंदर रहेगा और फिर फजर भी गायब कर देते हैं कि जागो ही मत, सोते ही रहो सीधा लंबे ताके। अगर आपको अल्लाह ना करे ऐसा खतरा है, या आप दुकान पे जाकर के बैठ रहे हैं और आपकी आदत ऐसी है कि बदल ही नहीं रही, कोई बीमारी है कोई परेशानी है, फजर बाद सोए बगैर आराम नहीं मिल रहा, तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है, सो भी सकते, कोई गुनाह नहीं है। बस खुलासा यह है बिला वजह मामूल ना बनाए, उज्र हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। खुलासा यह है बिला वजह मामूल ना बनाए, और अगर उज्र हो कभी कभार हो या कोई वाकई परेशानी हो तो उसमें कोई हर्ज की भी बात नहीं है। खाना खाने के बाद पानी पीना मकरूह है, क्या ये बात सही है? खाने के बाद पानी पीना या पानी ना पीना, इसके लिए कोई उसूल ऐसा नहीं है कि पीना ही है या नहीं पीना, पी लिया तो मकरूह हो जाएगा, नहीं पिया तो सवाब मिलेगा, जैसा मौका हो वैसा कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाद मरतब आदमी को हिचकी आ रही होती है, परेशान हो रहा होता है, पी ले कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं हो तो ना पिए, तिब्बी एतबार से भी मुफीद है, इसलिए इसको मकरूह वगैरह में ना लेकर के जाएं, अपने मामूल के मुताबिक देखें कि हमें क्या ज्यादा बेहतर लगता है उसी के मुताबिक अमल कर लें। कुत्ता पालना क्यों मना है? अगर कुत्ते को रखने की जगह अलग बना लें और उसे सफाई से रखें तो क्या रख सकते हैं या नहीं? जरूरत क्या है कुत्ते को पालने की, मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों मना है। उसकी वजह मैं पहले आपको बता दूं, हुजूर अली सलाम ने फरमाया जिस घर के अंदर कुत्ता होता है अल्लाह के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आने वाले हमारे घर में, इसलिए मना है कुत्ते को पालना। अब हम ये देख लें कि हमें कुत्ता रखना ज्यादा जरूरी है या अल्लाह की रहमत के फरिश्ते घर में रखना ज्यादा जरूरी है, जो हमें ज्यादा जरूरी लगे उसके हिसाब से अमल कर लें। एक बुढ़िया ने अपनी चारपाई के किनारे कुत्ता बांध रखा था 24 घंटे। किसी ने पूछा बड़ी भी तुम्हें कहा का खतरा, तुम क्यों बांध रखी हो? कहा जी सुना फरिश्ते नहीं आते, मैं इसे बांध के रखती हूं कि मौत का भी तो फरिश्ता आता है, वो भी नहीं आएगा, ताकि उसका भी टिकट कैंसिल हो जाए, वो भी लेट हो जाए। तो मौत के फरिश्ते से अपने आप को बचाने के लिए बड़ी बी ने कुत्ते को सिराने बांध करके रखा हुआ है, तो ये मतलब नहीं है कि मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा, वो तो आएगा, वो तो हर जगह आएगा। मैंने बताया ना रहमत के जो अल्लाह के खास फरिश्ते रोजाना आते हैं वो हमारे घर में दाखिल नहीं होंगे, इसलिए इससे बचना ही बेहतर है। बहुत मजबूरी हो, बहुत मजबूरी हो तो उसकी बहुत खास शर्तों के साथ में इजाजत है, जिसे वो मजबूरियां हो वो बताए फिर उसके लिए इजाजत होगी, वरना तो आम तरीके पे बिल्कुल सख्त मना किया है, और इसी वजह से कि फरिश्ते दाखिल नहीं होते। बारक अल्लाह का मतलब क्या होता है? बारक अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह ताला तुमको बरकत दे। ये निकाह के बाद में दुआ देनी मसनून है। जब निकाह हो जाए किसी आदमी का तो दूल्हे से जब मिले तो बारक अल्लाह लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैरिन, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे ऊपर अल्लाह बरकतें उतारे और अल्लाह तुम्हारा निबाह अच्छाई के साथ करा दे। ये दूल्हे को मुबारकबाद देनी चाहिए,
ना ये कि खाली ये कह देना कि मुबारक हो मुबारक हो, इससे कोई खास मकसद हासिल नहीं होता। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, दुआ फरमाए। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين। يا الله آپ رحمان ہیں, اللہ آپ رحیم ہیں, اللہ آپ کریم ہیں, اللہ آپ ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں, اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, میرے اللہ ہم ایک نعمت کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے, اللہ آپ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی ہے, اللہ ہماری درخواست ہے کہ مرتے دم تک اس نعمت کو اپنے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما, اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما, اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما, یا اللہ یہ درس قرآن کے سلسلے کو قبول فرما, اللہ کہنے والے سے جو غلطیاں ہو رہی ہوں یا سننے والوں سے جو غلطیاں ہو رہی ہوں انہیں معاف فرما, اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے کلام کو سمجھے اور سمجھائیں, اللہ آپ نے ہم ناکارہ لوگوں کو قبول فرمایا ہے, میرے اللہ اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ عمل کی توفیق عطا فرما, یا اللہ جتنی باتیں یہاں کہی جا رہی ہیں میرے اللہ کہنے والا بھی ناکارہ ہے, سننے والے بھی ناقص ہیں, اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ سب باتوں پہ عمل کرنے والا بنا, یا اللہ رات کو سوتے وقت اللہ جو پیغمبر نے طریقہ بتایا آج جو یہاں تذکرہ ہوا اس کے مطابق سونے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ نافرمانی کرتے ہوئے سونے سے امت کی حفاظت فرما, یا اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما, یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں اپنی بہت ساری ضروریات ہیں, اللہ غیب کے خزانوں سے سب کی ضروریات کو پورا فرما, اللہ سب کے آنے کو قبول فرما, اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما, اللہ جتنے لوگ یہاں کہیں سے بھی آئے ہوئے ہیں میرے اللہ سب کو دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما, یا اللہ جتنے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ پورے شہر میں پوری دنیا میں پورے عالم میں اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما, اللہ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں سب کے جڑنے کو قبول فرما, اللہ ہمارے بزرگان دین ہمارے اولیاء اللہ اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر عافیت کے ساتھ قائم فرما, اللہ ہم سب کو دین سے محبت عطا فرما, یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما, یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا